गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होगा। अभी हम हैं रामपुर में। कल रात के ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास हम यहाँ आ गए थे और ये जिस होटल में रुके हैं उसका नाम है केसी रेसिडेंसी। और यहाँ से क्या मस्त व्यू आ रहा है, इतना अच्छा व्यू आ रहा है, क्या बताऊँ। सामने नदी बह रही है और उसके आगे पूरी पहाड़ी है, पहाड़ियों के ऊपर घर बने पड़े हैं, तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। हो रहे हैं ऑलमोस्ट 9:55 यानी 10 बजने को है और हम अब यहाँ से मूव करने वाले हैं। प्लान तो हमारा काजा की तरफ निकलने का, बट देखो हम हैं राइड एंजॉय करने वाले, तो राइड एंजॉय करते हुए जाएंगे, ड्रोन शॉट वगैरह फोटोग्राफी वगैरह करते जाएंगे। तो रात होते होते तक जहाँ तक पहुँच जाएंगे वहाँ तक ठीक है और वहीं रुक जाएंगे। तो अभी तक का देखो, 2 दिन से तो प्लान बना रखा था, सारा शेड्यूल बना रखा था कि कैसे कैसे चलना है, कैसे कैसे आगे का ट्रिप कंटिन्यू करना है, बट वो वैसे एक्सक्यूट हो नहीं पाया। अकॉर्डिंग टू टू प्लान आज हमें काजा में होना चाहिए था, बट हम अभी रामपुर में बैठे हुए हैं। बट कोई नहीं यार, घूमने आया है तो घूमने का तो मजा लेंगे ही। तो ये काम करते हैं, जो मशीन पूरा रूम पड़ा हुआ है ना, सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, इसको फटाफट से समेटते हैं और बाइक पे बांधते हैं, फिर निकलते हैं ड्राइव के लिए। क्या बनवा के रखे हो हमारे लिए? पराठा। पराठे खाएंगे आज? आलू पराठे। इसमें आलू कैसे, मतलब इतना पतला में आलू कहाँ आएगा और वो रोटी कहाँ आएगा, पराठा कहाँ आएगा? पैकअप कर लिया है, सारा चीज़ हो गया है, भाई लोग हमसे मिलने आए थे, बाय बाय बाय। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, ऑलरेडी लेट हो गया काफ़ी, 11:30 हो रहे हैं। प्लान तो हम हमेशा करते कि आज यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूट हो नहीं पा रहा है, तो आज जहाँ तक जाना होगा जाएंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। आई होप एंगल सही आ रहा होगा आप लोगों को और व्यूज़ भी सही आ रहे होंगे। बहुत तेज़ धूप है, गर्मी बढ़ गई है, बट आगे थोड़ी दूर जाने के बाद ना ठंडी का मज़ा मिलेगा हमें। तो बाबा रामपुर मिलते हैं फिर जल्दी। अभी ना मैंने अपने फ़ोन में गाना चला रखा है और मेरा फ़ोन कनेक्टेड है, जो मैं ब्लूटूथ इंटरकॉम यूज़ कर रहा हूँ उससे। और क्या बताऊँ यार, इन वादियों में अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं, पंजाबी सॉन्ग्स लगा रखा है मैंने और गाने सुनते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा साहिद भैया नहीं है तो उनके साथ इंटरकॉम पे कनेक्टेड नहीं हूँ, तो इंटरकॉम का दूसरा यूज़ ये ले रहा हूँ कि गानों का मज़ा लेते हुए जा रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा इंटरकॉम है ये, अगर आप ख़रीदना चाहते हो, बाई करना चाहते हो, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मुझे मज़ा आता है इसको यूज़ करने में, बहुत सारे फंक्शंस इसमें दिए हुए हैं। आप जब शुरू में इसको ख़रीदोगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बटन्स हैं, बट आप जैसे जैसे इसको यूज़ करोगे, आप इसको यूज़ टू हो जाओगे और आपको आदत पड़ जाएगी इसकी। मुझे तो पूरी तरीके से आदत पड़ चुकी है और मैंने 2-3 और इंटरकॉम यूज़ कर रखा है, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे यही लगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लोगों को भी यही ख़रीदने के लिए। ये लो जी, ख़राब रास्ते अब आने शुरू हो चुके हैं, पीछे भी बहुत सारा ख़राब रास्ता क्रॉस किया मैंने। एक्चुअली में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, सही है। इतनी गहरी खाई है यार, डर लग रहा है मुझे तो। गैप दे के जाते हैं सब।
अभी हम हैं चौरा में और ये पुलिस चौकी है यहाँ की। हमें यहाँ पे एंट्री करना पड़ता है, एंट्री करा के अपना नाम और गाड़ी का नंबर देना पड़ता है ना, और कहाँ से आ रहे कहाँ जा रहे हैं, बस ये सारी चीज़ एंट्री करके फिर आपको यहाँ से आगे जाना होगा। तो ये छोटा मोटा सा काम है। बाय द वे फ्लैशर कैसा लग रहा है? लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आज भी हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं, ऑलमोस्ट 1:30 बजने को है और अभी तक हम लोगों ने 30 या 35 किलोमीटर राइड की होगी। आखिरकार यहाँ थोड़ा सा छांव मिला हमें। ओह, ठंडी हवा चल रही है अब तो। देखो एक सीनिक से व्यू पे आ गए हैं, ऊपर देख रहे हो कितना बड़ा पहाड़ है, इसको काट के ना पूरा रास्ता बनाया गया है और नीचे ठीक बह रही है नदी जो उधर कहीं से आ रही है। इसमें पानी भी कम है लेकिन साफ पानी दिख रहा है। यहाँ निकलेगा नन्नू, नन्नू उड़ेगा, नन्नू की नज़र से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ रुके थे, ड्रोन शॉट लेने की कोशिश की, ड्रोन उड़ाने की कोशिश की। आप नीचे देख सकते हो बहुत ज़्यादा खाई है और ड्रोन को ना GPS सिग्नल नहीं मिला तो हमने उड़ाने का रिस्क नहीं लिया। अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं। OMG भाई अंदर कर ले। ऑफरोड चालू हो गया है। ये क्या है, अंदर से पानी निकल रहा है। तो यहाँ बहुत भयंकर सा जाम लग गया है। आई थिंक आगे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसके कारण ये जाम लगा हुआ है। अब ना मेरे GoPro की बैटरी ख़त्म हो गई है और कहीं रुक के चार्ज पे लगाना पड़ेगा। अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले कि 10% बैटरी बची हुई थी। और आपको रास्ते में ना बीच बीच में कैटल्स मिल जाएंगे जो कि एक तरह से आपके लिए हर्डल्स ही हैं, कभी भी रास्ते पे आ जाते हैं। अभी एक छोटा सा क्रैश होते हुए बचा मेरा और गलती मेरी थी, मैं एक कार को ओवरटेक कर रहा था और बहुत ही कम स्पेस था वहाँ से और स्पीड ऑलमोस्ट मेरी 70-80 के आसपास हो गई। एनी हाउ लाइफ मस्ट गो ऑन, गलती से ही इंसान सीखता है। तो अभी थोड़ी देर बाद कहीं स्टॉप लेंगे और अपनी बैटरी जो GoPro की उसको चार्ज पे लगाएंगे। मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है और व्यूज़ आप देख सकते हो कितना सही है। खाली रोड है, पूरी खाली रोड है।
और इस पर सिर्फ हम ही चार बाइकर्स दिख रहे हैं। सो गाइज, अभी का सीन ये है कि हम यहाँ बैठे हुए पेट्रोल पंप पे और अपनी अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करा रहे हैं। हुआ ये है कि यहाँ का पेट्रोल पंप है ना, उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो यहाँ एक ट्रक आया हुआ है, वो उसको रिफिल कर रहा है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना रुक के थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया जाए। हमारे जूते वगैरह गीले हुए थे, तो ये देख सकते हो आप नंगे पैर हम बैठे हुए हैं। और इन बिटवीन एक और प्रॉब्लम आ गई, हमारे गुल्लू पाजी है ना, उनका जो गोप्रो का माइक अडेप्टर है वो आई थिंक गड़बड़ हो गया है। वो बेचारे कल से 2-3 दिन से व्लॉग कर रहे हैं बट उनकी ऑडियो नहीं आ रही। आज दिन भर का जो ऑडियो था वो भी ख़त्म हो गया है, तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। अब क्या कहा जा सकता है, इसमें पूरी इनकी मेहनत कह सकते हो पूरी बर्बाद हो जा रही है। अरे यार, गोप्रो धोखा दे रहा है यार, मोड ऑफ कर दिया। इतना ऑडियो इतना अच्छा रिकॉर्ड करके आया, सारे के सारे कुछ भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ यार। और 3 दिन हो गए वही हो रहा है, पहले 2 दिन वीडियो हो जाता है उसके बाद हमें लगा था कि उसका माइक भी चेंज करके बाद ही नहीं हुआ। वहाँ पे टेस्ट भी किया हम लोगों ने, काम किया, फिर 1-2 वीडियोस में भी काम किया था, उसके बाद फिर से बंद हो गया है। कोई नहीं यार, अब उसका एक ही ऑप्शन है कि अब आप बिना एडाप्टर का यूज़ करो। तो अभी हम क्या करते हैं ना, फटाफट से अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल फिल कराते हैं, फिर आगे निकलते हैं, क्योंकि ये लास्ट पेट्रोल पंप है टिल काजा से पहले कोई पेट्रोल पंप नहीं आने वाला है। शाम के 5:15 हो रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने लंच नहीं किया है। होटल से जो पराठे खा के निकले थे उसी पे चल रही है हमारी गाड़ी। हम उतने ही खाने पे अभी चल रहे हैं। बीच में एक थोड़ा सा छोटा सा स्नैक्स लिया था, बिस्किट वगैरह खाया था हमने, 1-2 बिस्किट खाया था। भूख बहुत ज़ोर की लग गई है, तो आगे कहीं एक जगह रुक के खाना कुछ खाया जाएगा। अभी यहाँ कुछ सब्सक्राइबर जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आगे जाके उसका क्या नाम है, पंजाबी होटल है कोई, तो वहाँ खाना अच्छा है, टेस्टी है, तो हम वहाँ कोशिश करेंगे रुकने का और खाएंगे खाना। यहाँ से ना कभी कभी पत्थर के टुकड़े भी गिर रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, तो संभल के निकलना पड़ रहा है। एक मेरे हेलमेट के ऊपर भी गिरा था, कट्टस से आवाज़ किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रास्ता उतना ही खतरनाक होते जा रहा है। आप देख सकते हो नीचे पूरी खाई, नदी बह रही है, और ये रास्ता देखो कितना खतरनाक है। OMG, भगन दो, एकदम खाली रास्ता है। लामा की भूमि में गामा बनने का प्रयास ना करें, डोंट बी ए गामा इन लैंड ऑफ लामा। सही है, सही लाइन लिखा है। उड़ाया जाए यहाँ, नन्नू उड़ाया जाए। बहुत ही अमेजिंग सा पुराना पुल आने वाला है, हम उसको अभी क्रॉस करेंगे। तो ये रहा वो हैंगिंग ब्रिज, देख सकते हो पूरे तार पे ये बना हुआ है, और इस पे एक बार में सिर्फ एक गाड़ी जाती है। लकड़ी का पुल है वो तेरी की। माय गॉड, कितना थ्रिलिंग है यार। तो
यहाँ पे आगे जाने के लिए एंट्री करानी पड़ती है, हमने एंट्री करा दी है। आप वापस आओगे तभी एंट्री करानी। अब अगर उधर से निकलना हो तो उधर से निकल के तो निकल गए वापस आओगे तो वापस एंट्री करानी। अच्छा अच्छा सही है, तुम्हारी गाड़ियों की एंट्री हो गई है, हम अब आगे बढ़ेंगे। और अभी गुड न्यूज़ ये मिली है कि जो आगे का रास्ता है वो खुल गया है और इधर मुझे ना बादल दिखाई दे रहे हैं, तो मौसम थोड़ी देर में ख़राब होने वाला है। तो हम लोग को अब की क्या करना पड़ेगा कन्ना भैया? नहीं बात बात पर अश्लीलता नहीं फैलाइए, हर जगह पप्पी नहीं दी जाती। क्रैक आ गया आपके इसमें। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:20 और अभी देख सकते हो कितना उजाला है यहाँ पे, वो रहे सारी बाइकें, हमारी खन्ना मेरे पीछे चल रहा है और ये यहाँ रास्ता ख़राब हुआ फिर से। ओ ये सबसे आगे मैं चल रहा हूँ, आगे लीड कर रहा हूँ सबको। खन्ना इंटरकॉम से कनेक्टेड है मेरे से, बीच बीच में बहुत पतला रास्ता था ये। चल जा ये रही उसकी माँ, वो रही चोट नहीं लगी है, उड़ना सिखा रही है इसकी माँ इसको। हाँ वो रही उसकी, वो पड़ रही बैठी है देखो। But look at her man, बहुत क्यूट है अभी थोड़ी सी छोटी छोटी आंखें खुल रही हैं। वाओ बोला तू कैमरा निकाल जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, रास्ता और खतरनाक होते जा रहा है और सुनसान होते जा रहा है। अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है भैया। तो ये ग्रेन्स पे ना चला रहा हूँ अभी मैं अपनी ड्यूक, और स्पीड देख ही सकते हो 30-32 ऐसे मेंटेन किए हुए हूँ। तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं नाको, और सारे लोग को ठंड लग रही है जोरों की, और साथ ही साथ भूख भी लगी है, चाय पीने का भी मन कर रहा है। हम अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, अगर कहीं मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर आगे की राइड कंटिन्यू करेंगे। बट ठंड यार बढ़ गई है। बोलू भाई ठंड लग रही है कि नहीं? ठंड लग रही है कि नहीं? मुझे लग रही है। आप लोग पहन रखे हो ना पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक? आप लोग ऊपर से लेकर नीचे तक पहन रखे हो ना? अभी हम ऐसी होटल्स वगैरह ढूंढ रहे थे तो रास्ते में ये वैन मिली हमें, और ये अपने घर लेके जा रहे हैं हमें। बाकी लोग अभी वहीं पे नाको जो शहर है वहाँ अंदर कस्बा जो भी कह सकते हो वहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं। मैं इस वैन के साथ पीछे पीछे आया हूँ, ऑलमोस्ट वहाँ से 2 किलोमीटर आ गया हूँ, अकेले हूँ और जा रहा हूँ वही इनका घर देखने जो जहाँ पर ये होम स्टे देने वाले हैं। अगर सही लगा तो हम आज रात यहीं स्पेंड करेंगे और कल सुबह कोशिश करेंगे जल्दी निकलने का और आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी खाने का प्लान हमारा वहीं जो शहर में रेस्टोरेंट है वहीं का है, तो अभी फटाफट से देखते हैं क्या है स्टेटस यहाँ के होम स्टे का। ओके हाँ 4 लोग हो जाएंगे, चलिए ठीक है। एक बार वॉशरूम दिखा दीजिए। कॉमन है? अच्छा, नाको में ही एक होटल हमें मिल गया था, रेस्टोरेंट, हम लोगों ने वहाँ पे खाना खाया और अब हम निकल चुके हैं अपने होम स्टे की तरफ जो हमने पहला ऑप्शन चूज़ किया था वहाँ के लिए। तो आज का दिन और आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। लंबा हुआ इसलिए क्योंकि
हम लोगों ने बहुत सारी फोटोग्राफ्स वगैरह वीडियो वगैरह लिए हैं, और अगर आपको फोटोग्राफ्स वगैरह देखनी है ना तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको ट्रिप रिलेटेड फोटोग्राफ मिलेंगे। तो होप करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो पता है करना क्या है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और एक अच्छा सा कमेंट देके बताओ कैसी लगी वीडियो। तो मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, एंजॉय लाइफ, बाय 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 बाय।